हरियाणा के जींद में सिविल अस्पताल से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बीती रात एक चोर ने करीब 12 बजे कोरोना वैक्सीन की कई सौ डोज चुरा ली, लेकिन गुरुवार को चोर सिविल लाइन थाने के बाहर एक चाय वाले को सारी दवाएं लौटा गया और साथ में ये नोट भी लिखकर छोड़ गया, जिस पर लिखा था, सॉरी मुझे पता नहीं था कि ये कोरोना की वैक्सीन है। जींद पुलिस के डीएसपी जितेंद्र खटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात करीब 12 बजे सिविल अस्पताल से कोरोना की कई डोज चोरी हो गई थी, लेकिन बाद में वही डोज कोई चाय के स्टॉल के पास सॉरी नोट के साथ लौटा गया। पीएमओ बिमला राठी के द्वारा हमें एक कंप्लेंट दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जींद सिविल हॉस्पिटल के पीपीसी सेंटर से 1710 डोज कोविड वैक्सीन के चोरी हुए हैं। पुलिस ने इस पर तत्परता से काम करते हुए कुछ फुटेज रिकवर किए। अभी हमारी जांच जारी ही थी कि इसी दौरान हमें सूचना मिली कि लगभग 12:30 बजे सिविल थाना के बाहर एक चाय के खोखे पर बैठे बुजुर्ग को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर एक थैला थमाया गया और उसमें बताया गया कि इस थैले में अंदर मुंशी का खाना है और इसे अंदर पहुंचा दिया जाए। जब वो थैला लेकर अंदर गया तो उसकी मुलाकात ASI चंदर सिंह से हुई, और जब चंदर सिंह ने वो थैला चेक किया तो उसमें चोरी हुई जो कोविड की वैक्सीन की डोजेज थी वो बरामद हुई। थैले में वैक्सीन के साथ हाथ से कॉपी के पेज पर लिखा हुआ एक नोट भी बरामद हुआ, जिसमें लिखा था, सॉरी मुझे पता नहीं था कि ये कोरोना की वैक्सीन है। पुलिस का इस मामले में कहना है कि चोर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के चक्कर में कोरोना वैक्सीन चुरा ली होगी। हालांकि अभी तक चोरों के बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस ने इस संबंध में IPC की धारा 457 और 380 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस कह रही है कि चोर की पहचान के बारे में कुछ सुराग हाथ लगे हैं, जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि 12 घंटे तक फ्रिज से बाहर रही कोरोना की वैक्सीन और डोज प्रयोग के लायक हैं या नहीं, इस बारे में सिविल सर्जन ने मुख्यालय से गाइडलाइंस मांगी हैं।